So let us start today this class is video lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. So in this lecture we are going to discuss about image. So without wasting time, let me introduce you how the image formation will be there in case of convex lens and concave lens. So let us first start with image formation. What is image formation and what to do? Image formation के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने मिरर में कहा था कि तीन में से कोई दो ले लेंगे, वैसे ही यहाँ भी तीन में से कोई दो ले लेंगे। क्या तीन में से कोई दो लेना है? एक तो कि कोई भी रेज, पहला ये तीन स्टेप लिख देता हूँ, एनी रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू पास और सीम्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए कि कोई भी रे हम लेंगे तो दूसरा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, द रे पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हैज नो डेविएशन, वो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है ना। तीसरा, एनी रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, इंसिडेंट थ्रू फोकस, फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये तीन चीजें हैं, इनमें से आप कोई भी दो इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी दो इस्तेमाल करके जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो पहला करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन इन फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। पहला क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई नया बात नहीं है, आपको वैसे ही याद रखना है। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मानते हैं कि वहां से जो रे और लाइट आती है वो सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा कि यहां से अगर कोई रे जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो सब जाके कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, वो जाके सब फोकस पे कन्वर्ज होंगी। तो इसलिए इमेज जो बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इमेज बनेगा और ये फोकस पर बनेगा। तो कोई भी रेज होंगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस पे जाके कन्वर्ज होंगी, और चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो फोकस पे बनेगा तो वास्तव में मिलेगा, तो इसलिए कैसा इमेज बनेगा, रियल डिमिनिस्ड। ठीक है ना, डिमिनिस्ड। ठीक है, एट फोकस, ये सारी चीजें है, रियल डिमिनिस्ड एंड एट फोकस, तीन चीजें होगी। चौथा अब ये लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, केस टू, व्हेन सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी,
बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमने लेंस बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से ये है एफ और ये है सी, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, तो ये हमें पता चल गया। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जो होके जाएगा वो कहीं सीधे होने के बाद ऐसे जा रहा है और मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये सी टू है, ये एफ टू है, ये एफ वन है, ये सी वन है, तो ये मिल रहा है, फोकस से थोड़ा सा आगे जाके इमेज बन रहा है, और ए बी अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज बन रहा है रियल, और क्या बन रहा है जी, क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड स्मॉल, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल बनेगा, और कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, दूसरी तरफ एफ टू एंड सी टू, ये भी लिख सकते हैं कि एफ टू एंड सी टू, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहाँ लेंगे, हमने इन्फिनिटी पे ले लिया, सी के पीछे ले लिया, सी पे अगर लेंगे तो क्या बनेगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, केस थर्ड लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो ऐसी स्थिति में अगर ऑब्जेक्ट सी पे प्लेस्ड है, तो ये अगर मान ले कि हमारा लेंस है और ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सी पे इमेज बनेगा, कैसे, ध्यान से देखिए, ये हमने मान लिया कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये वो है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये है एफ और ये है सी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, और ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं कि ऐसा ले लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इससे एक हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट, रे ऑफ लाइट लेंगे, तो ये क्या होगा कि ये जो लाइट होगी वो इधर से होकर के जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो ये फोकस से होकर के जाएगी, है ना, आपको पता है ये फोकस से होकर के जाएगा, तो ये जो होगा वो ऐसे होकर के चला जाएगा, लाइट जो है ऐसे होकर के चला जाएगा, ठीक है, ये लाइट फोकस से होकर के जाएगा, और दूसरा जो लाइट होगा, हमने बना दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे ये जाएगा ऐसे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस होकर के जाएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधे जाता है, तो ये जाकर के दोनों यहाँ पर ए डैश बी डैश मिलेंगे, तो इस तरीके से इमेज बन जाएगा इनका। ये इमेज कैसा है, ये इमेज भी, ये इमेज जो है वो है आपका ऐसा, अगर एक लाइन ले लें यहाँ पे भी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लेने वाली, तो इस तरीके से ये इमेज बन गया है, और इमेज कैसा बना है, जब वो सी पे है तो सी पर ही इमेज बना है, ये है सी, सी वन पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो सी टू पे इमेज बना है, तो बना है ये सेम साइज बनेगा, बनेगा सेम साइज, ये बनेगा सेम साइज, साइज दूसरा बनेगा इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड, तीसरा बनेगा क्या, रियल, एंड कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो एट सी बन, ये तीसरा केस हो गया, तीसरा केस जिसमें हम कह सकते हैं कि इमेज जो है
सी पे है, तो ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा। अब चौथा केस लेते हैं कि जब सी और एफ के बीच में, केस फोर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, तो ये हमारा लेंस हो गया, और लेंस के साथ हमने एक लाइन खींच लिया कि एक लाइन हो गया, और हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा जो है ना, तो पता है कि यहाँ पे जाएगा तो ये किससे होकर के जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा, तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि ये फोकस से होकर के जाएगा, ये जो रेज है ये फोकस से होकर के जाएगा, तो यहाँ से फोकस से होकर के चला जाएगा। जैसे जैसे ये यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट ली है, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, है ना, और ऑप्टिकल सेंटर वो है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाएगा, ये होकर के जाएगा एफ टू से, और इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रहा है वो सीधे जाएगा, तो इनका इमेज बन रहा है यहाँ पर इमेज बन रहा है ना, ये सी के जस्ट बाद में इमेज बन रहा है यहाँ पे। ये है सी टू, और उसके बाद ये ए डैश बी डैश, ये इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये सी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, तो एफ और सी के बीच में है, तो सी के जस्ट बाद में है, तो इसलिए सी के जस्ट बाद में इधर बन रहा है इमेज, और थोड़ा बड़ा बन रहा है इसके मुकाबले, तो कैसा बन रहा है, इसको बोलेंगे रियल, दूसरा इन्वर्टेड, बड़ा बन रहा है तो मैग्निफाइड बोलेंगे, और चौथा कहाँ बन रहा है, तो आफ्टर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी ये बन रहा है, तो चौथा केस हो गया। पांचवा केस, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेंगे तब क्या हो, इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेंगे तब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, पांचवा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो फोकस पे है तो क्या होगा, अगर फोकस पे कोई है तो ये बनेगा इमेज, कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे, कैसे आपको पता है, ये देखिए लेते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे, तो फोकस पे है तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये हमने फोकस पे लिया, तो यहाँ से जो होकर के जाता है कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो होकर के जाएगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये फोकस की ओर होके जाएगा, दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा वो भी फोकस की ओर जाएगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो ये मिलेंगी टू इंफिनिटी,
ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये मिलेगा इन्फिनिटी क्यूब, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ये इन्फिनिटी क्यूब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और ये इन्फिनिटी क्यूब जाकर के मिलेंगे। तो मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज विल फॉर्म, ठीक है, ये चीजें होगी। तो ये होगा मैग्नीफाइड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज विल बी फॉर्म, कोई दिक्कत। छठा एक केस होगा कि जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, यानी ऑप्टिकल सेंटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में कैसा इमेज बनेगा ये देखते हैं। हम बना लिए एक लेंस ऐसा, ठीक है, और ये एक लाइन, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर एफ है और यहाँ पे सी है, इधर में भी एफ है ना। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रख लिया तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से होकर के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना, फोकस से होकर के जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा वैसे जाएगा, दोनों ही अगर इधर जाएंगे तो मिलेगा नहीं, इनके बीच की गैप बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर एक्सटेंड करने पे लग रहा है कि मिल रही है, तो इसलिए इसका ए डैश बी डैश इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, जो एक्चुअल में नहीं मिल रहा है बल्कि एक्सटेंड करने पे मिल रहा है। तो इसलिए इस इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। इसको कहेंगे कि वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज फॉर्म, है ना। कहां? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बन रहा है वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इधर बन रहा है। तो इस तरीके से इमेज का जो फॉर्मेशन है वो बन हो रहा है, ठीक है ना, वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर इधर से आंख लगा के देखा जाए तो ये बड़ा सा दिखेगा इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो वॉच मेकर होते हैं या टीवी मैकेनिक होते हैं या और जो लोग होते हैं इस तरह के, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और एक पाइप में इस लेंस को फिट कर देते हैं, और फिट करके और घड़ी के पुर्जे या मोबाइल या जो कुछ भी होता है उनके साथ उसको इस कदर से लाते हैं करीब में, ताकि उसके पार्ट्स जो हैं वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, और फोकल लेंथ के अंदर आ जाने से क्या होता है, उसका मैग्निफाइड बड़ा सा इमेज उनको दिखता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, माइक्रो लेवल के पार्ट होते हैं, वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, और इस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इसको यूज भी किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि दूसरा, कि अब इसमें इमेज फॉर्मेशन किसमें, तो कनकेव लेंस में, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन कनकेव लेंस, इसमें एक ही बनेगा, वैसे ही कंसेप्ट है सेम। यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक कनकेव लेंस है ना, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओ है। तो यहाँ से अगर कोई हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये कहाँ से होकर के जाएगा, ये इधर की ओर मुड़ेगा जैसे कि हमने बता रखा है, और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाले में कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये अगर पीछे की ओर चूंकि फोकस से होकर के जाता हुआ लगता है, तो इसलिए ये लगता है कि फोकस से होकर के जा रहा है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे मिलेगा, और ऐसी स्थिति में इसका एक इमेज बन जाएगा जो कि लगेगा कि ये फोकस से होकर के जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, जो होगा वर्चुअल
ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या होगा, छोटा होगा, तो ये होगा स्मॉल, ठीक है। दूसरा वर्चुअल, और कैसा होगा, इरेक्ट। कहाँ बनेगा, तो बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ, इसके बीच में बनेगा। तो इस तरीके का एक प्रॉपर्टीज ये मान सकते हैं कि कनकेव लेंस में स्मॉल इमेज बनता है, और इस स्मॉल इमेज का जो साइज होता है, वो स्मॉल इमेज जो होता है उसकी नेचर जो होती है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज बनता है। और इस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन ऑफ करके बाकी कोई और केसेस जिसमें कंसिडर करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक केस से बात बन जाएगी। अब अगली क्लास में हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन जैसा कि आपको पता ही है कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, पहले से बता रखा है कि डिस्टेंस ऑफ माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस पे आगे बात होगी। और इसके अलावा पावर ऑफ लेंस की बात होगी, लेंस फॉर्मूला की बात होगी, न्यूमेरिकल की बात होगी, तो ये सब चीज आगे होगा। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आज ज्यादा नहीं बता रहे हैं इसलिए कि इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लोगे, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए तो एक बार दिमाग में बिठा लो, साइन कन्वेंशन, सब्जेक्ट कन्वेंशन, इसका आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जब पहले ही वाला है तो ऑब्जेक्ट का पोजिशन अगर लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही है, तो इसलिए यू इन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कर देते इन कनकेव मिरर होनी चाहिए। तो कनकेव लेंस में, इन कनकेव लेंस क्या होगा, कनकेव लेंस में एक ही तरह का इमेज बन रहा है, तो यू क्या होगा, निगेटिव, वी क्या होगा, वी से तरफ बन रहा है निगेटिव, और एफ क्या होता है, निगेटिव, तीनों के तीनों निगेटिव होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब क्यों क्यों ऐसा होता है, अब देखिए रहे कि इमेज जो है वो भी इधर ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट का यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यू है, और ये इमेज का डिस्टेंस भी है, और फोकल लेंथ ये एफ है, तो ये सारा का सारा क्या है, निगेटिव है, इसलिए आप इमेज फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं। कन्वेक्स की जहां तक बात करें कि कन्वेक्स की क्या होनी चाहिए, तो कन्वेक्स में, कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनेगा, व्हेन रियल इमेज फॉर्म, रियल इमेज फॉर्म, देन यू विल बी निगेटिव, एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड वी इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब क्या होगा, नोट कर लीजिए, व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म, व्हेन वर्चुअल फॉर्म, तो क्या होगा, यू निगेटिव, वी पॉजिटिव, एंड एफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड तब क्या होगा, व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, तब यू क्या होगा, यू इज निगेटिव, वी इज निगेटिव, एंड एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात दिमाग में रखना है, और ये चीज आपके जब दिमाग में रहेगी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टिल देन गॉड ब्लेस यू।